घर वालों को बता दूं? क्या बात करते हैं आप, विष्णु कांत बात आएगी बात फैल जाएगी। लेकिन कुछ हो गया तो सब गाड़ी वालों की बड़ी मुसीबत। घबराने की कोई बात नहीं, मैं तो साथ हूं, रातों रात पार हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नवनीत जी रोगे साहब, नीचे उतार, नीचे उतार, नीचे रोगे साहब, नीचे। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि बीस बीस आने का। कौन बिजनेस कर रहा है? बदमाश का ही काम, फिर ब्लैक मार्केट चालू कर दिया। इस बार तुझे 10 साल की हवा खिलाऊंगा, इन साल एक गाड़ी वालों को 2-2 साल। माफ कर दीजिए, मेरा कोई भी नहीं, आप जा रहे हैं सब कुछ, अब मैं आपके पास छूटता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। भाई बाप आप पैसे ले लीजिए, आप सारा माल रख लीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, एक बार नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। माफ कर,
भाई बाप इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मुझे 3000 फिर बलमान करता फिर रुसो देता है। मेरे भाई बाप बच्चा हूँ, नौकर हूँ, दास हूँ, रैयत हूँ, मुझे माफ कर दीजिए मजदूर, मजदूर फिर नहीं करूंगा मैं, फिर नहीं करूंगा बाप। पकड़ो इन सबको, जाने ना पाए, चलाओ गोली। कभी नहीं करूंगा। क्या किया है तुमने? अरे तू बोलता क्यों नहीं? तेरी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी गाड़ी नहीं है भौजी। गाड़ी नहीं है? क्या हुई तेरी गाड़ी? कान पकड़, कान पकड़। अरे कुछ बोलेगा भी या कान ही पकड़े रहेगा? कसम खाता हूँ भौजी, फिर कभी चोर बाजारी का माल नहीं ला दूंगा। चोर बाजारी का माल? हाँ भौजी, चोर बाजारी का माल लाद कर जा रहा था, पुलिस ने गाड़ी धर ली, किसी तरह बैलों को बचाकर भाग निकला, नहीं तो 2-3 बरस जेल की चक्की। दुहाई काली मैया की, खबरदार जब भी कभी तूने ऐसा किया तो। राम राम राम। नहीं होगा सर, माफी माफ कर, अब कभी गलती नहीं होगा। अरे अरे मैं नहीं देखती कहाँ चले जा रहे।
अच्छा हुआ तू आ गया, कल सुबह ही नंदगांव से बांस लाने, जल्दी निकल जाना। मैं बांस नहीं लाऊंगा, मेरा हिसाब कर दीजिए। अरे कुछ पैसे चाहिए थोड़े से, मिलेगा बाकी कल ले लेना। नहीं मुनीम जी, मैंने कसम खाई है ना मैं बांस ढूंढूंगा ना चोरी चमारी का माल। अजीब आदमी है, भला इतनी रात गए मैं आदमी कहाँ से ढूंढू। जा जा कल भर ले आना, मेरा हिसाब कर दीजिए मुनीम जी। अच्छा तो फिर गाड़ी रख जा, और मुझे भी कसम खानी पड़ेगी हीरा मन जैसे को गाड़ी नहीं दूंगा। मत जा। एक बार तीन गिन लो। गिल्ली गिल्ली जा जा जा। डाक घर हरिपुर, जिला पुरेनिया। जिला पुरेनिया, जिला पुरेनिया नहीं पुरनिया। ये ले। बाप रे, महाजन की चप्पर गाड़ी आ रही है। चलो चौधरी तुम भी अंदर चलो। चलो चलो। घर में नहीं हूँ। सांता के बाबूजी घर में नहीं है। घर में नहीं है तो फिर कहाँ गए हैं? पाल आगे बाबूजी। जू जू जी, अरे नई चप्पल गाड़ी किसकी है? तुम्हारी। तुम्हारी माने? अरे अरे देख देख मत करिए, नई गुड़िया लेके आओ, चले लो अंदर। लेकिन ये गाड़ी है किसकी? तुम्हें पसंद नहीं क्या? नई चप्पल गाड़ी भला किसे पसंद नहीं होगी, तुम्हें खरीदी है क्या? हाँ भौजी। कहाँ से आई ये नई चप्पर गाड़ी? अरे भैया अब नई गाड़ी का किस्सा सुनने बैठे हैं तो सचमुच महाजन आ जाएगा। चलो चले। सच सच बताना, नई टप्पर गाड़ी खरीदने के लिए तूने इतना रुपया कहाँ से जुगाड़ किया? देवी मैया का प्रताप भौजी। झूठ मत बोल, फिर तूने चोर बाजारी का। चोर बाजारी का नहीं, बाग बाग। बाग तो क्या बाग से कुश्ती लड़कर आया है? बस यही समझ लो, इतना बड़ा बाग था। नहीं समझी ना? अरे भाऊजी, एक सर्कस कंपनी की बाग गाड़ी खींचना था, इस काम को कोई नहीं लेता था, सब गाड़ीवान फेल, तो हमने कहा हमारा बैल खींचेगा। पूरा 150 रुपया मिला तो चप्पल गाड़ी खरीदी। अब बोलो। अरे वो सूरमा जा जल्दी नहा के आ, बात आ रही है। जाओ पहले। मुसीबत है, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप आराम से बैठी रहिए। अरे भाई ये गाड़ी किसकी है? ए गाड़ीवान, ये तुम्हारी गाड़ी है? क्यों? गढ़बनेली के मेले जाना। गढ़बनेली? अरे वो तो 20 कोस दूर है, 30 रुपया लेंगे। हाँ भाई दे देंगे, ये 5 रुपए तो तुम बयाने के लो और बाकी मेला तक पहुँचने पे दे दूंगा। मैं रेलगाड़ी से जा रहा हूँ। सुनो, कोई चोरी चपाटी का माल है क्या? अरे नहीं भाई, और बांस हमको 100 रुपया भी देंगे आपको, हम बांस का लदनी नहीं लेगा। अरे अंधा हो गया क्या? बांस गठरी में बांध के ले जाते हैं, सवारी है सवारी, चलाना। हाँ दादा, Thank you.
अरे रास्ता छोड़ के तमाशा देखो भाई। अरे भाई तुम भी देखो, बिन पैसे का खेल। अरे छप्पर से उतरता क्यों नहीं, देखता नहीं कि रास्ता बंद हो गया। अरे छप्पर पर से गाड़ी चलाओगे क्या? वो आया लेक्चर जाने वाला, मेरी मर्जी मैं नहीं उतरूंगा। अरे अब तो रास्ता छोड़ दो भैया, क्या रास्ता छोड़ दो भैया। हट हट करो भोलेनाथ, रक्षा करो। कोसों तक फैला हुआ सुनसान मैदान, फिर रात का सफर, जाने कौन सवारी है। गाड़ी में रह रहे खुशबू आती है, पीठ में गुदगुदी भी होती है। सिर्फ पांव देखा था, सो भी जाने सीधा था या उल्टा था, कहीं जिन पर है इतना हो। 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा भोलेनाथ, इस दफा रक्षा कर लो, बचा लो मेरे भोलेनाथ। ये तो परी है। परी कहाँ है? परी जी नहीं। अरे क्या समझ रखा है, भोले की लगनी है क्या? बैल को मारते हैं तो आपको बुरा लगता है? धीरे धीरे चलने दो ना, जल्दी क्या है। भैया तुम्हारा नाम क्या है? जी मैं तुम्हारा नाम क्या है भैया? मेरा नाम हीरामन है जी, हीरामन। ओ तब तो मैं भैया नहीं, मीता कहूंगी जी।
मेरा नाम भी हीरा है ना, जब एक ही नाम होता है तो मीता कहते हैं। औरत और मर्द के नाम में बहुत फर्क होता है। कहाँ है फर्क, मैं भी हीरा तुम भी हीरा। बाप बेटा, काम की मियां के गप सुनने से 30 कुछ बन जल के थे क्या, इस पाई नोटे के पेट में सत्ता नहीं पड़ी है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी बाप भाई खेती करता है, भौजी है, शांता है और कजिन। और बाल बच्चे? शांता है ना, और कजरी के दो बच्चे। दोनों लड़के हैं? कौन लड़के? तुम्हारे। कजरी तुम्हारी बहू है ना? क्यों? क्या हुआ? अरे कजरी गाय है, गाय, और उसके दो बछड़े हैं। तो अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? हुई थी, लेकिन गौने से पहले ही दुल्हन चल बसी। इतना अर्सा हुआ? बहुत, 15-20 बरस हो गया। अच्छा, फिर शादी नहीं की? कहाँ हुई फिर शादी, बहू जी की जिद, तुम्हारी लड़की से ही शादी कराई। ठीक ही तो है। अजी क्या ठीक है, तुम्हारी नहीं समझी, 7-8 बरस की लड़की। हाय राम, जेलना होगा, शारदा कानून जो है। कौन मानता है शारदा कानून। फिर भाभी राय क्यों नहीं बदल देती? भाऊ जी सब करके बैठी है सो बैठी, हमने भी तय कर लिया शादी नहीं करेंगे। तो क्यों? अरे कौन बलाए मोल लेने जाए, और फिर शादी करके गाड़ी वानी क्या करेगा कोई, दुनिया में सब छूट जाए, हम गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकते। बीड़ी पिए, गंध तो नहीं लगेगी? नहीं नहीं, पियो। अच्छा बताइए, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर। क्या बात है? बारे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। हाँ, नागपुर भी है। क्या रे जमाना, क्या क्या नाम बनाए, कानपुर नागपुर। अच्छा आपके घर में कौन कौन है? सारी दुनिया। जी सारी दुनिया, ये बात और है, जिसकी सारी दुनिया होती है उसका कोई नहीं होता। प्यारे गुलशान अभी मत जाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। अच्छा नहीं मानोगी, जब किस्मत ने जुदाई लिखी है तो तुम्हें भी क्यों इल्जाम दूं? अलविदा। कहीं भी कोई भी अपना नहीं जमाने में, ना आशियाने के बाहर ना आशियाने में। सजनवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमारे। चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बांटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमारे। जाए बसे परदेश सजनवा, सौतन के भर माए, जाए बसे परदेश सजनवा, सौतन के भर माए, ना संदेश
न कोई खबरिया रुत आए रुत जाए, डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोला पार सजनवा बैरी हो गए हमार। सुनी तेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को, सुनी तेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को, छटपट तड़पे प्रीत विचारी ममता सूरो, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार सजनवा बैरी हो गए हमारा। चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बांटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। पर्दा क्यों गिरा दिया मीता? आप यहाँ के लोगों को नहीं जानती, और देखी लगे घूरने देहाती पुच्छ कहीं के। मेले का क्या हाल है भाई? अरे हमको क्या मालूम मेले का, हम तो पिताजी ले जा रहे हैं। कौन रहा? छत्तापुर पचीरा। छत्तापुर पचीरा कहाँ है? अरे होगा तुमसे क्या मतलब? बेदागी क्या होता है मीता जी? बेदागी का मतलब ससुराल जाने वाली लड़की। अच्छा, तो मैं ससुराल जा रही हूँ। मगर एक बात पूछे जी। हाँ? मेला में आप कहाँ जा रही? काम करने जा रही। काम करने? मेले में क्या काम कीजिएगा? नौटंकी जानते हो, मैं उसमें काम करती हूँ। जी जानते तो हैं, नौटंकी माँ ने खेला पर देखा नहीं। क्यों? गांव के बड़े बूढ़े सब मना करते हैं, और फिर भौजी को भी पसंद नहीं। तो क्या खराब हो जाओगे? इस अच्छा एक बात बताइए, वो आदमी कौन है जो आपको मेरी गाड़ी में बिठा दे? बिरजू, वे रेल से आ जाएगा। अच्छा, तो आप क्यों नहीं रेल से गए? अगर मैं रेल से जाती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? बात असल में ये है, मैं एक नौटंकी कंपनी छोड़कर चोरी से मेले की नौटंकी में जा रही हूँ। याराब तो तनी को न माने, बलमवा बुला दे मेरे कोए, हाय राम बलमवा बुला दे मेरे को। ऐसे तो कभी नहीं सुना। सुनिएगा कहाँ से, ये छोकरा नाच का गीत है। पहले छोकरा नाच वाले एक से एक गजल खेमता गाते थे, अब तो भोंकू पे भेपू भेपू करके जाने कौन गीत गाते थे लोग। क्या देख रहे हैं जी? आपका मुंह बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलो ना? आपका मुंह बिल्कुल छोकरा नाच के मनुआ नटुआ जैसे दिखता है। हाय राम, मैं क्या छोकरा जैसे दिखती हूँ? जी नहीं, हाँ? वो छोकरे ही लड़की नुमा हुआ करते थे। आप वो देखिए, तिगछी आ गया।
अरे सबर करो, सबको भूख प्यास लगी है। यही है कजरी नदी। मैं नहा लेती हूँ। हाँ हाँ, पर यहाँ नहीं। क्यों? ये मऊआ घटवार का घाट है, यहाँ कुंवारी लड़कियां नहीं नहाती। कुंवारी? ये मऊआ घटवारिन कौन है? इसी गांव की लड़की थी, यहाँ नहाती थी, देखने में बिल्कुल परी जैसी। पुरानी कथा है, एक दिन एक सौदागर नाव लेकर इसी घाट पर आया और मऊआ को जबरदस्ती लेकर भाग गया। उस दिन से यहाँ कुंवारी लड़कियां नहीं नहाती। अच्छा, तो मैं वहां ना हूं? हाँ वहां ठीक है, वहां कोई दोष नहीं। देखा, कुंवारी भी है। की जी जुड़ाया है। आप गाड़ी की निगरानी करिए, मैं अभी आता हूँ। नींद आ गई। आइए, दो मुट्ठी जलपान कर लीजिए। इतनी चीजें कहां से लेकर आए? इस गांव का दही बहुत मशहूर है। मैं? नहीं नहीं, पहले आप पा लीजिए। पहले पीछे क्या, बिछाओ ना। आप खाइए ना, मैं बाद में खा लूंगा। लीजिए लीजिए। तुम नहीं खाओगे तो समेट के रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगा। खाओ ना। Thank you.
सचमुच यहाँ का दिन बहुत अच्छा है। कहाँ जा रहे हो भाई? मेला नहीं, कुड़वा गांव जा रहे हैं डॉक्टरनी साहब को लेकर। कहाँ की डॉक्टर नहीं है? अरे सिद्धपुर का अस्पताल है ना, वहीं की मरीज देखने जा रही है। यहाँ देखते हो हर कोई गीत गाता रहता है। गीत नहीं गाएगा तो करेगा क्या? कहते हैं फटे कलेजा गाओ गीत, दुख सहने का यही रीत। तुम्हारे यहाँ की भाषा में गीत और भी मीठा लगता है, लगता है सुनते ही रहो। ये मऊआ घटवा रंग का गीत है, वो कजरी नदी का घाट था ना, बस उसी का। अच्छा, तुम्हें आता है ये गीत? सुनाओ ना मीता। इस गाँव का गीत सुनने का बड़ा शौक है आप, तब तो लीक छोड़ना पड़ेगा, चालू रस्ते पे कोई कैसे गा सकता है। ठीक है, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे। हाँ अरे कहाँ है बेबी? वो सड़क के ननकपुर जाएगी। इस मुल्क के लोगों में बस यही बात बहुत बुरा है, राह चलते सौ जिरा करेंगे। कहाँ जा रहे हो, कौन गांव है, कहाँ से आए हो, गाड़ी में कौन बैठा है? अरे तुमको जहाँ जाना है जाओ, देहाती पुछ करके। घबराइए मत, ये रात का भी मेला पहुंचा देगा। राघाट के सब लोग अच्छे। राघाट के लोग कैसे भी हो, तुम जो मेरे साथ हो। अब सुनाओ गीत। वो जो मऊआ घटवारन का घाट था ना, उसी मुल्क की थी मऊआ। थी तो घटवारन लेकिन सौ सतवंती में एक। उसका बाप दिन दिहाड़े ताड़ी पी के बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ थी साक्षात राक्षसनी। मऊआ कुंवारी थी, हरिपुरी दुनिया में कोई ना था उसका। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। कैसे करूं मऊआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?
तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपाकर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी, बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। एक दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया, महुआ को देखते ही उससे रीझ गया, नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी, जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात, सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख, उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया, रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ, बिछड़ गई जोड़ी, महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। इस क्या कहती हैं आप? मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला। आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको? क्यों नहीं सिखाया ये गीत? हमसे नहीं गाया जाएगा। क्यों? इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में। देखो देखो मीता, अरे
आतिशबाजी है। मेला आ गया क्या? जी। इतनी जल्दी मालूम ही नहीं पड़ा। जल्दी कहाँ, पूरे 30 घंटे लगे हैं। 30 घंटे गुजर गए? जी कुछ नहीं। मैं आपके लिए चाह ले आता हूँ। क्या? चाह। अच्छा अच्छा चाय। जी। इतनी रात गए चाय कौन पिएगा? मुझे मालूम है, कंपनी के लोग हरदम चाह पीते रहते हैं। चाह है कि जाम, कई लोटा भी लो। अरे व्या काल कैसे ना, खोलो पैसा तो देखो तमाशा, जगह तमाशा देखा करो। जिंदगी मजा लूटा जे चाहे शहर जाए गांव में की देखत बच्चा परार को थी। हो वहां के की कहूं हम शहर का रंग डाल उक्का गट्टा जाके खरादल देख छोरी सब सड़क पर दस साइकिल के रेस के ने ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजे जखन हमर समर्द निकल जाइए तो देख कर देख वाला के घाम छूट जाइए। तकरा बाद सिनेमा एक मजा बुझे सिनेमा के। अरे सबसे कम पाई दिया सब आगे में जाकर बैसू मन है तो हाथ बढ़ा के पर्दो छू लिया। अरे यहाँ यहाँ कटगर छोरी के फोटो आ हा 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 पिस्तौल वाली तमंचा जान माने घोड़ा पर हाथ पड़ल की छोटा फैट भेल एहन एहन बुलेट मार सब हीरोइन आओ हारमोनियम ने हिरानी की कहलिए दुर्जी हिरानी नहीं हिरानी नहीं हीरोइन हीरोइन कहिए फीलिंग स्टार के। अच्छा फीलिंग स्टार। हाँ यो बुलेट मार। अरे क्या फीलिंग स्टार बुलेट मार लगा रखी है, कल देखना मेले मारे हीरा भाई। हाँ भाई क्या चाहिए? चाह देना। कितना? एक लोटा। एक लोटा तीन आने का दो आने का? अरे तीन आने का नहीं चार आने का। चार आने का। एक तो चुक्कर भी देना। लो चाह पीजिए, गरम है सभा दिएगा। लो जी हम चाह नहीं पीते। कुमारे आदमी को चाह नहीं पीनी चाहिए। किसने कहा तुमसे? जी मैं जानता हूँ, एक बार पी थी फिर? बड़ी गर्म तासीर है। गर्म तासीर मेरे लिए नहीं है। लो। अच्छा लाइए, आप कहते हैं तो चाय पी लेता हूं। अच्छा मीठा, रात बहुत हुई है क्या? जी ये कोई 10 बजा होगा। 10 बज गए? जी। फिर आज रात तुम्हारी गाड़ी नहीं रहूंगी, कल सुबह कंपनी जाऊंगी। जैसी आपकी इच्छा। मैं सोने का इंतजाम कर देता। अभी कुछ दिन मेले में रहोगे ना? जी कुछ ठीक नहीं, सवारी मिले तो चला भी जाऊं। इतना पैसा कमा कर क्या करोगे? 2-4 दिन मेले में रहकर नौटंकी देखना। जी जी मैं नौटंकी थिएटर नहीं देखता, कहा ना आपसे बहुत ही गुस्सा करती हूँ। चुपचाप देख लेना, भाभी को पता भी नहीं लगेगा। आप आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे
बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे बिंदड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे बिंदड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे बिंदड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। हाँ चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। अरे कैसन खबर बा? अच्छी है। गाड़ी कहाँ है रामन भाई? वो रही ना, नई टप्पर खरीदी है का? खरीद। चलो ना तुम्हारी नई टप्पर गाड़ी देखें। कितने में ली है? पूरे 150 में। हा? वो सर्कस वाले 150? हाँ वही वही कह रहा था ना मैं तुम लोगों से। क्या लदनी लाए गाड़ी में? लदनी नहीं, सवारी है, सवारी। अरे पर्दा तो ऐसा लगा है कि जैसे नई नवेली जुड़वा लेकर मेला देखने आए भाई। बोलो इधर आओ। अरे वाह कहा उधर घूर घूर के क्या देख रहा है? लेकिन पर्दे के अंदर है कौन? क्यों? अरे बता तो सही कौन है? कंपनी की बाई है, नौटंकी कंपनी। कंपनी नौटंकी? ये मालिक। अबे चुप रहे। होटल में खाना नहीं मिलेगा, कहिए तो हलवाई से पक्की ले आए। मैं अब खाना नहीं खाऊंगी, जरा इधर ये तुम खाओ। इस ये नहीं होगा। हम लोगों के होते हुए हीरामन बाजार में क्यों खाने लगा? नमस्ते जी। चार आदमियों के भात में दो आदमी और मजे में खा सकते हैं। हाँ 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 आप आराम कीजिए, हम लोग जाते हैं। हाँ, चलो। चार पान लगाओ। रमन भा नहीं बीड़ी खींचूंगा। कमाल है हीरामन, उस दिन कंपनी का बाग, अब कंपनी की औरत, तुम तो एकदम कंपनी बाज हो गए। ए मालिक। अरे तू कहां घुस रहा बड़े लोगों के मामले में, चल भाग यहां से। देख लाल मोहर, तुम भी देसी बचर बचर मत करो। हाँ हम लोगों के देश मुलक का जनाना नहीं है जो लटपट बात सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की है, इस पर कंपनी। लेकिन हीरामन भाई हमने तो सुना है कि कंपनी में बेशा रहती है। अरे हट। अरे तू कैसा आदमी है दुनिया, दिमाग तो सही सलामत है तेरा? ची 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 ची, अक्कल नहीं खेवा। कहो हीरामन भाई। लेकिन हमने सुना है। सुना ना है, देखा तो नहीं? अरे नहीं भाई, अरे नहीं देखा। झूठ क्यों बोलो? तो लटपट बात क्यों करते हो? जो बात नहीं जानते मत क्या करो। लेकिन हीरामन भाई जनाना जात गाड़ी में अकेली रहेगी, कुछ सरकार हो तो। हाँ हीरामन बेटा ठीक कहता है, मैं जाता हूँ। नहीं लाल मोर। ए हीरामन भाई हम जाएं? अरे नहीं रे। ए हीरामन मालिक हम कहाँ हुकुम करो, फिर बीच में आ गए। पलटदास इधर, तुम भगत आदमी तुम जाओ गाड़ी के पास और सुनो, वहां जाके प्रवचन मत करने लगना। ची 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 ची, जय सी आराम। अरे पान क्या हुआ? Thank you.
जी हाँ, मैं पलटदास, हीरामन भाई ने भेजा है, कुछ सेवा? सेवा नहीं, नहीं। तो फिर मैं बैठता, हीरामन ने कहा था शायद दूसरी कार पड़ जाए। ठीक है बैठो। जय सियाराम। क्या बात है, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? जी माताराम। हाँ हाँ बोलो। चरण सेवा। क्या? जी मैं सेवक, आप सियासुख कुमारी, आपके चरणों की सेवा। अरे भाग यहाँ से, भाग। पागल कहीं का। अरे हीरामन भाई कुछ भी कहो, वो तुम करम स्थान। अरे क्या बताएं, इस बार तो मैं घबरा ही गया। ऐसा? अरे सोचा जिन परी है, रात का सफर है, अब तुम ही बताओ। अरे एक बेटा क्या हुआ? अरे बोलना क्या हुआ, उधर सब खैरियत है कि नहीं? सब खैरियत है, हमें काम मिल गया है, टीशन लाकर व्यापारी ले जाना है। अरे कंपनी को केला छोड़कर तू? अरे कंपनी बड़े मजे में है। अच्छा अच्छा हम चले। जय सियाराम जी। अरे उसे क्या हो गया? अरे पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। चोर है चोर, अपने को भगत बनता है। ये ही रमन मालिक, कंपनी आपको बुला रही है, और एक आदमी। कौन आदमी? सो तो नहीं मालूम, पर कुछ घुसुर पुसुर बतिया रहा था। चलो देखे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मैनेजर से बात पक्की कर ली है, कल से खेला शुरू हो जाएगा। ये लो भाड़े की 30 और ये दक्षिणा पूरे 50। ये क्या कर रही हैं आप? 5 रुपए तो पेश के दे चुके हैं, 25 रुपए दीजिए। लो मीटर, लो ना मीटर, लो ना। अरे यहाँ बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो ना इसमें। कल कंपनी में आकर मिलना, पास बनवा दूंगी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देखेगा कोई गाड़ी वाल मेले में? तुम चुप क्यों हो हीरामन? अपने रुपए तो लो, लो ना। अरे कोई सामान पहुंचाने वाला मिलेगा? हाँ हाँ जरूर। ए ओला सनमा। अच्छा है मालिक। मैं जाऊं? कंपनी में क्या गुलबदन देखिए, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, इंद्रसभा की लाल परी, लाखों की आंखों का नूर, मशहूर एक्ट्रेस हीराबाई हमारी कंपनी में आ गई है। है तुम पा देखा करो, यही खाई
बड़ा जय जयकार हो रहा है हीरा भाई का, छापा फार्म भी है। क्यों, क्या ख्याल है हीरामन? चलो नौटंकी देखने का बंदोबस्त करें, मुकट में ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। पर गांव में बात पहुंच गई तो एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुनेगा? देसी मुर्गी बिलायती चाल। मुकट में नौटंकी देखने से भी मौजी बात सुनाएगी? सुनाएगी क्यों नहीं, लेकिन गांव में बात पहुंचे क्यों? हम तो कसम खाने को तैयार। हाँ, तो सबको गंगा कसम उठानी पड़ेगी। हाँ। गांव में उड़ती चिड़िया को भी खबर नहीं मिले। हाँ। हाँ। अरे कंपनी कहेगी, ये सोचने की बात है। हाँ? क्यों मेरा कंधा सूंघ तो? क्यों, क्या हुआ कंधे? अरे सूंघ तो, तनिक हाथ रखा था सिर्फ, समझे? धन्य बड़े किस्मत वाले भैया। फिर तो नौटंकी देखने चले हैं क्यों लाल मोहन? जरूर, कल कह गई थी ना, कंपनी कह गई थी, तो चलो पास कटवा लें। चले तो यार। हाँ 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 लाल मोहन, लिखा क्या है? अरे भैया नाम लिखा होएगा। चलो ना, इससे पूछे। इससे कहा? तू पूछ, तू पूछ, तुझे तो बाबू बोली आती है ना। ओ बाबू साहब, क्या है? ओ, जी 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 हाँ, बुलबुल। बुलबुल क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, नहीं बुलबुल। बहादुर बाबू, ये लोग कौन है? ये लोग तुम लोग कौन हो? जी साहब देखिए, हीरा देवी को, मेरा नाम हीरा मन है जी। हीरा, चलो चलो यहाँ। हीरा मन बहादुर, इन्हें पहचान लो, ये है मेरा हीरा मन, जब भी आए आने देना। जी आओ मीता, आओ ना अंदर आओ। बैठो, ये आपका घर है? घर नहीं, तंबू है मीता। बैठो। तुम्हारे साथ सफर के दो दिन कैसे कट गए पता भी नहीं चला। नौटंकी देखने आओगे ना? जरूर आएंगे, रोज रात को आना। लेकिन वो मेरे साथी, उनको भी ले आना। कितने आदमी हैं? हम सब हैं पांच जन। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। दरवान जी चलिए ना, जरा पान खा। मैंने सबने बुलाया तो क्या होगा? देखा नहीं आपने, हम हीरा भाई के आदमी लोग। हाँ चलिए चलिए, हाँ, चलिए जहाँ पान खिलाएंगे आपको। पांच पान अठानी दर्जे का है, आना जरूर। अठानी दर्जा? अच्छा मीता मैं चली, मुझे रिहर्सल में जाना है। हा? रिहर्सल में जाना है। क्या हुआ हीरामन? लाल मोहन ये रिसाल क्या होता है? रिसाल? ओ दरबान जी, ये रिसाल क्या होता है? रिसाल माने प्रैक्टिस। प्रैक्टिस? प्रैक्टिस का मतलब नहीं समझा? प्रैक्टिस का मतलब है नाच गाना सीखता है। अच्छा दरबान जी, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। क्यों भाई? अरे पास मिला है देखो। सच? एक नहीं पांच। देखो सब अठनिया दर्जा, जरा दिखाओ ना। सबका ख्याल रखती है। धन्नो धन्नो। अरे कंपनी की औरत की बात ही निराली। हाँ हाँ होना ही चाहिए, लेकिन ये पांच पांच लेकर हुआ क्या? पलटदार सेपरेट कराया? अरे जाने दो आप आगे को, उसकी तकदीर में खेला भाई। लेकिन चलो सबको कसम याद है, गाँव में उड़ती चीजा को भी खबर ना हो। कौन खाला बोलेगा, पलटे ने बदमाशी की तो उसकी खैर। तब ठीक है। धन्य, ये सब हीरा भाई ने दिया है ना? अरे खुद दिया है। नगाड़ा बजा हीरामन भाई। अरे नगाड़ा तो एक घंटे से बज रहा है लाल मोहर, उनको क्या फिक्र है? हमारे पास तो पास है, मजे में जाएंगे। हाँ यहाँ कौन रहेगा? यहाँ कौन रहेगा? ये लसनवा जो है ये मालिक।
हमको नहीं ले जाएंगे क्या? सारा दिन लानिया पार्टी के पीछे घूमकर भी तेरा पेट नहीं भरा, काम चोर कहीं का। ए मालिक, हाथ जोड़ता हूँ, बस एक को झलक। अरे एक को झलक नहीं लसनवा, तू चाहे तो घंटा भर वहाँ बैठ के देखो, हम तुम्हारी जगह यहाँ बासी पे आ जाएंगे। बस 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 हीरामन, ओ हीरामन भाई। हाँ पलटदास, कहाँ की लदनी लेके आए? अरे कसूरवार हूँ, जो सजा दो मंजूर है, लेकिन सच बात ये है कि सिया शिव कुमारी। एक पलटा, गांव घर का जनाना मत समझना, तेरे लिए भी पास दिया है। हाँ ये देख, पांच छह ठंडिया नहीं तो भीड़ देखी हुआ टिकट घर के पास, हड्डी पसली एक हो जाती। लेकिन पलटा याद रखना, अगर गांव में किसी को पता चला तो। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। ये तो पास है, कहाँ से मार लाए? अरे कहाँ से उड़ा कर लाए ये पास? जी ये अपनी कंपनी से जाके पूछो, चार नहीं एक तो और भी है, ये देखो। अरे तो ठीक है, लेकिन लाए कहाँ से? ऐसे पाल दाजू, क्या हुआ क्या हुआ? सवेरे पहचान करवाई भूल गए क्या? अरे अभी आ रहा, अभी आ रहा। क्या बात, ये अंदर नहीं जाने दे रहा है ना? अरे ये कहा दिखाया तब भी नहीं मानता। अरे पास है तो क्यों रोकता है? हीरा भाई का आदमी, जाने दो। अच्छा हीरा भाई का आदमी, चलो जाओ जाओ। बैठोगे बड़े आए पास। रमन भाई जरा पर्दा तो देखो, रामपन गमन की छापी है, पूरे श्री राम और बीच में सिया सुकुमारी और पीछे लखन लल्ला और वो रहे हनुमान जी और इधर गरुड़ महाराज भी है। ये छापी सभी खड़ी है या चल रही है? अरे खेला तो पर्दे के अंदर है, अभी तो सिर्फ जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। ये भाई ठीक से बैठ। आप सिंगिया गांव के हैं ना? मोदी खाना? शिव रतन बाबू? हमको सब कोई पहचानता है। ए भाई गालीवन, गालीवन हो ना? मैं वही बात ले कैसी है, अब इलायची कारोबार में बिल्कुल नहीं है। आइए आइए, थोड़ा सा तीन तीन सजीव लाइए, आप उसको सब दर्जों से अच्छा अठन्निया दर्जा, सबसे पीछे और सबसे ऊंचे। ये कुर्सी बेंच वाले हैं ना, इस सर्दी में अभी गुज गुज करके उठेंगे चाय पीने। वो फूल माला वाले को देखते हो ना, वो रामनगर के छोटे तरफ के जिम्मेदार हैं, विक्रम सिंह। ए भाई मिश्र, लगता है खेला शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले ले। हाँ सो जाओ, खेला सपने में देख लेना। जबरदस्त, खेला शुरू होने पर नहीं नहीं, जो ही रिया स्टेज पे उतरेगी ना तब हमको जगा देना। सो जाओ, इस आदमी से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लटपट क्या मालूम होता है, सुना नहीं अभी क्या कहा था उसने, शराबी को भी मालूम होता है। सीटी बजा। मीता का
भैया हमारो सामने सूरतिया होठ लाल लाल हाय हाय मलमल का कुर्ता मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल पान खाए भैया हमारो कमाल आश्ती है कमाल वाह वाह क्या गला पाया है सुना है पान बीड़ी जर्दा कुछ भी नहीं लेती क्या बात है बड़ी नेम वाली रंगी है लेकिन दांत में मिस्सी कहाँ है पाउडर से दांत धो लेती होगी वही चाय कर रही है क्या बचर बचर कर रहे हो बचाने की भी तमीज नहीं है कंपनी के भाई को रंडी बोलते हो हाँ बोलता हूँ सौ बार बोलूंगा तुम कौन बच्चो खींच लूंगा रंगी के भाई मारपीट करता करो बहादुर आप मारना है तो मारिए जरूर मारिए कोई हर्जा नहीं है लेकिन पहले ये देख लीजिए ये देखिए साहब ये पास है साहब टिकट नहीं पास बदमाश गुंडे चल दरोगा हजूर हम गुंडा नहीं है ये पास हमको कंपनी ने दिया है और फिर कंपनी की औरत की कोई बुराई करेगा तो हम छोड़ देंगे हजूर मैं सब समझ गया ये दूसरी कंपनी वालों ने मेरी बेइज्जती करने के लिए सब कुछ किया है अरे आओ भैया आओ आगे तुमने मेरी घास खराब कर दी है अरे बहादुर अरे इन लोगों को आगे बढ़ा दो बैठ जाए बैठ एक तकिया है ना अरे 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 टिकट आ अरे टिकट आई पास है पास तो हुजूर पास ही दिखा दीजिए ना वो हमारे मालिक के पास है कहाँ है तुम्हारा मालिक लाल मोर में देखो आने नहीं देता अरे अच्छा मालिक किधर यहाँ से घुसो यहाँ से निकलो लाल मोर मालिक कौन आदमी है वो धुन्नी मालिक ने मुझे सब कुछ बता दिया है मुझे शकल तो दिखा दीजिए अरे बैठ गया है बैठ ए मैं कोई बुरा भला कहे तो है सोचो तो
अरे धुन्नी को लगी है ना, अभी आता हूं, हीरा भाई ने बुलाया है। बाजी आपका आदमी आ गया, अंदर भेज दो। मारपीट क्यों कर रहे थे जी? मारपीट क्यों कर रहे थे? वो लोग आपको गाली दे रहे थे। गाली दे रहे थे तो क्या हुआ? कोई गाली दे कुछ कहे, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत है? वो आपको, आपको क्या? आपको, आपको रंडी गंदी बात कह रहे थे। तुम क्या दुनिया वालों के मुंह पे ताले लगाते फिरोगे? कोई आपके बारे में अगर कुछ कहेगा तो इसके जो जी आए कहने दो। और फिर मेरे लिए मारपीट करने वाले तुम होते कौन हो? क्या हक है तुम्हें? ये भी चरण सेवा करने को गया होगा। क्या क्या फिसली फिसली लालमोहन। अरे आपका होगा, हीरामन भाई तो आई नहीं और खेला शुरू होने वाला है। चलो हम लोग चलते हैं, हीरामन आएगा तो आ ही जाएगा। तुम चलो, मैं जरा पान लेके आता हूँ। अरे भैया जरा दो जापानी पान लगाना। कहाँ रहा था सारा दिन सर? लालमोहन मालिक साहब वो बात ये हो गई, मालिक वो अपने जोकर साहब है ना, वो सारा दिन मेले में घुमाते रह रहे, छोड़ा ही नहीं। मेरे जोकर की ऐसी नमक हराम। मालिक गाली मत दीजिए। हाँ लगाऊंगा, छा पर तबीयत हरी हो जाए। हाँ मारिए तो देखूं जरा। अरे आंखें दिखाता हूँ, बसे रात मार कर निकाल दूंगा नौकरी से। हाँ चल चल निकल जा। हाँ निकाल दीजिए ना, यहाँ किधर चाहिए आपकी नौकरी? अरे चोपर साहब ने मुझे आपसे अच्छा काम दे दिया कंपनी में, चल निकल। हारे गए गुलफाम, अजी हमारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम, अजी हमारे गए गुलफाम, उल्फत भी रास ना आई, अजी हमारे गए अब रूप की कटारी से लेना की कटारी से, वो हो के
बेटा, देखा मेरी ओर कैसी नजर से देख रही थी? तुम्हारी तरफ? हाँ। कौन? अरे हीरा भाई, अब समझ गई है मेरा पावर हीरा मंद से जाती है। ए भाई, हीरा भाई बुला रही है। किसको? अरे और किसको, देखा पावर। मैं हाजिर हूँ। कौन? अंदर आ जा। गजब का गुल गुलफाम, कमाल का गजब कर दिया। कौन हो तुम? जी पहचाना नहीं, आपने बुलाया था ना। ओ, तुम हीरामन के साथी हो? जी मैं लाल मोहर। आज हीरामन क्यों नहीं आया? अब भागा है, गया होगा कहीं पैसा कमाने। वो ना लायक क्या समझे आपकी अदाकारी। मैं तो जान फरमाइए। तुम जा सकते हो। जी फरमाइए, तुम जा सकते हो। कहाँ मर गया था? जी खेला देख रहा था। ले शुरू हो जा, कभी कर। उस्ताद चले भी लगाऊं? क्यों उड़ा लगाऊं? गेंदा लगा, गेंदा गेंदा। तीन ताल में जरा बढ़ा के। अच्छा हो रहा है। नहीं मास्टर जी, बस आगे ही चल। चल नजमा तू आ जा, बिटिया जा तू आराम कर। बैठो ना आपा जी, मैंने कैसे तैयार किया है देखोगी? नहीं नजमा, आज कुछ अच्छा नहीं लगता। कल तुम नाचोगी तो मैं भी चल जाऊँ। जी मलकिन, जी मलकिन, सुने थे हीरामन के पास जाए एक बार, कहना हीराबाई ने बुलाया है। बहुत अच्छा मलकिन। ताले लगा के फिरोगे? कोई आपके बारे में अगर कुछ कहेगा तो जिसके ड्यूटी में आए कहने दो, और फिर मेरे लिए मारपीट करने वाले तुम होते कौन हो? क्या हक है तुम्हें? तुम क्या किसकी याद में सोई हुई हो? किसकी याद में खोंगी मैं? लगता है किसी मजरू की याद में सो गई है लैला जान। नहीं नजमा, हम हमेशा लैला का पाठ ही अदा करेंगे। लैला कभी बन नहीं सकेगी। एक बात पूछो आपा, क्या हो गया है तुम्हें आजकल? कुछ नहीं। रमन वाले, कंपनी आपको बुलाई है। हीरा भाई आपको बहुत याद कर रही हैं और बोली हैं कि अभी आकर मिल जाए, ये बहुत जरूरी काम है।
कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई है मालिक, आपके इकबाल से बड़े मजे में हूँ। और मालिक जोकर साहब तो इतना हंसाते हैं, इतना हंसाते हैं कि हंसते हंसते मालिक पेट दुखने लग जाता है। हीरा भाई की साड़ी धोने के बाद कठोते का पानी अतर गुलाब हो जाता है और फिर मैं उसमें अपनी कमीज डुबा देता हूँ। सुनोगे मालिक? तो फिर आप जरूर आ रहे हैं ना मालिक? कहना आवेंगे। अच्छा, अंदर आओ हीरा मालिक, बैठो बैठो ना। देखती तुम्हारा गुस्सा भी उतरा नहीं। जी मैं कौन हूँ गुस्सा करने वाला, मेरा हक ही क्या है? ऐसा ना कहो हीरा, तुम मेरी मीता हो ना। वो सब रहने दीजिए। इतनी नाराज हो? उस दिन मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आ गया था और गुस्से में ना जाने क्या नक्शाना बक गई, और तुम्हारा गुस्सा भी इतना तेज है ये क्या मालूम था मुझे। लो अब सारा गुस्सा पानी हो गया ना, हुआ कि नहीं? बैठोगे नहीं? क्यों बैठोगे? मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? लोग मेरी अदाकारी देखते हैं, लेकिन मेरे मन की पी को कोई क्या जाने। खीरा ककड़ी तो हूं नहीं जो कलेजा फाड़ के दिखला दूं। इच्छा थी तो मैं अपने हाथ से पका के खिलाऊं, मगर तुम बैठोगे नहीं तो। बैठूंगा क्यों नहीं, और खाऊंगा भी, लेकिन आपको किसी ने बुरा कहा? आज आप खेल देखने आओगे ना? आज लैला मजनू होगा। लैला मजनू का किस्सा जानते हो ना? जानता हूँ, लैला मजनू और मकतब की मोहब्बत। आज मैं लैला बनूंगी। और मजनू है कोई? जरूर आना, मारपीट करने नहीं, खेल देखने। कोई आपकी बुराई करे तो? तुम जरा जल्दी आ जाना, स्टेज पे बैठने का इंतजाम कर दूंगी तुम्हारा। एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा? नहीं, बोलो। बात यह है, मेले में चोर पॉकेट मार बहुत आते हैं। सो तो आते हैं फिर? और देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, थोड़ा सा रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो अगर मैं मार लूं तो? लो बैंक में रख दिया, जब जी चाहे ले जाना। हाँ? खाने में देर है क्या? नहीं, अभी हो जाएगा। किस्सा होता है शुरू पाक इश्क रंग, नाम अमीर दमिश्क के थे एक ताकुनशीन। नेक बशर थे शाह और रैयत पर नेक नजर थी। नेक बशर थे शाह और रैयत पर नेक नजर थी। था एक पैस पिसर अजहद उल्फत जिसके ऊपर थी। थे सुल्तान सरदार एक सुल्तानी नाज़ शहर थी। उनके नाजों की पाली प्यारी लैला दुपुत्र थी। कहूँ क्या इश्कबाजी का निराला ही फसाना था। कहूँ क्या इश्कबाजी का निराला ही फसाना था।
हे अल्लड़पन में वो दोनों लड़कपन का जमाना था। आके मक्का में आपस में ताकुर झांक रहती थी, यही था शगल रोजाना का पढ़ने का बहाना था। दिली उल्फत थी दो जानिब ना एक तरफा मोहब्बत थी, फिदा थी कैस पर लैला वो लैला पर दीवाना था। अजी एक बात भी ये हैरत अंगेज थी कैसी, मिजाज कैस बचपन ही से यारो आशिकाना था। मैं सुनाती हूँ एक माजराए अजब, कैस तुमसे है बिल्कुल शर्म ही नहीं, है मोहब्बत बहुत गुजरी तुमसे मुझे पर इस में तुम्हारी कसम ही नहीं, है मोहब्बत बहुत गुजरी तुमसे मुझे। बाबू राम राम। राम राम भाई। राम राम बिटिया, हाय गजब टूटा तारा एक बार फिर रिहर्सल कर लेना चाहिए। अच्छा जी और रमन बैठो, आजकल काम काज कैसे चल रहा है? जी सब ठीक है। आज रात नौकर के आ रहे हो ना? जी। मेरा काम कैसे लगता है, मनवा नेटवर्क जैसे ही ना? मनवा नेटवर्क से तो आप कहीं अच्छा काम करते हो।
ऐसा काम हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आज कोई काम नहीं है जी? काम तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा, इसीलिए सब कुछ बंद कर रखा है। क्यों जी? करूँगा थोड़े दिन बाद से। अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए, सोचते हो या कोई कुछ कहने वाला नहीं। देखो मीता, अपना काम छोड़कर यहाँ आओगे ना तो मैं बहुत नाराज हूँ। आप नाराज ना होइए, मैं अभी चला जाता हूँ। रात को नौटंकी में आना जी। गए मिलना ठीक नहीं होगा। क्यों? बात उसके मिजाज का कोई ठिकाना नहीं, अगर वो बिगड़ गई तो किए कराए काम में पानी फिर जाएगा। आप जरा सब्र कीजिए। सब्र की हद हो गई। ये ले 10 रुपए और ले, झटपट काम बना दे, बाकी बाद में दूंगा। हाँ वैसे तो मैं हुजूर के हुक्म का गुलाम हूँ, आप कल सुबह 10 बजे आ जाइए। अगर हीरा भाई से ना मिलवा दिया तो मेरा नाम नहीं। हाँ ठीक है, 10 बजे पक्का है? बिल्कुल पक्का। दिलो जान में तुमको देखा करूं। भाई जमींदार साहब आइए। हजूर आइए आइए। नमस्ते हीरा भाई। तशरीफ रखिए जमींदार साहब। मेरी खुशकिस्मती है कि आप आए। ऐसा ना कहो हीरा भाई, खुशकिस्मती तो मेरी है।
नोश फरमाइए। जी आदत से लाजा हूँ हीरा भाई। कैसी आदत? जब तक कि किसी नाजनीन की नाजुक उंगलियां मेरे मुंह में पान की गिलौरी न डालने में पान नहीं खाता। तुम्हारा हाथ तो बहुत नरम है हीरा, दिल भी ऐसा ही है क्या? खैर तुम अपने दिल का भेद नहीं कहना चाहती न कहो, लेकिन मैं अपने मन की बात सुनाए बिना आज यहां से नहीं जाऊंगा। मेला खत्म होने के बाद तुम कुछ दिन यहां और ठहर जाओ ताकि जी भर के तुम्हें निहार सकूं, दिल खोल के तुमसे बातें कर सकूं। कजरी नदी के किनारे मेरा एक ऐशबाग है, मैं सच कहता हूं हीरा मैं तुम्हें सर आंखों पर रखूंगा। तो फिर बात पक्की समझू? मेला खत्म तो होने दीजिए। इतने दिनों के बाद आज मेरे जलते जिगर को राहत मिली है। अच्छा तो फिर बात पक्की रही है। अरे भाई हीरामन किधर है? हीरामन वो रहा। अरे भाई हीरामन मैं तुम्ही को भूल रहा था, मैं तो मर गया, चलकर खाक हो गया, तबाह हो गया। आज दिन नहीं पी रखी है क्या? अरे भाई दिन क्या और रात क्या सब बराबर हो गए, बस अब तुम्ही बचा सकते हो। मैं? हाँ यार तुम। मैं बिंजू को भी पकड़ा था पर उस साले को भी जमींदार ने खरीद लिया है, मुझे पटकते ही नहीं देता। यार लोग कहते हैं हीरा भाई तुमको बहुत मानती है, मैं 1,000 रुपया दूंगा, जरूरत पड़े तो 2,000 भी, एक मरतबा मुलाकात करा दो। कौन? हीरामन अंदर आओ मिता, क्या बात है? बैठो बैठो ना, बताओ क्या बात है? कुछ नहीं। आप ये काम छोड़ दीजिए, ये नौटंकी का काम। क्यों क्या हुआ, तुम्हें नौटंकी अच्छी नहीं लगती? मेरी बात नहीं है, लोग आपको बुरा समझते हैं। तो क्या हुआ, मैं बुरी बन तो नहीं गई? फिर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ना समझना बनू हीरामन, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना, नौटंकी में काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? क्यों, आप सर्कस कंपनी में काम कीजिए। हाँ जी वहाँ आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, वहाँ बाघ को ना चाहिएगा। क्या बाघ? जी हाँ, बाघ के पास आने की हिम्मत किसको होगी? मैं बाघ में चाहूंगी जी, मुझे बाघ खा जाएगा हीरामन। गुस्सा मत करो हीरामन, ये बात नामुमकिन है। तुम समझते क्यों नहीं, नशा जो हो गया। नशा? हाँ मीता, जैसे तुम्हें बैलगाड़ी चलाने का नशा है, वैसे मुझे लैला और गुलबदन करने का नशा है। देश देश घूमना, सज धज के रोशनी में नाचना गाना, जीने के लिए सिवा इस नशे के और है ही क्या मेरे पास? बोलो। अब क्या बोलूं? चलो कुछ मत बोलो, चलो कहीं घूमा, चलो ना। आपा कहाँ जा रही हो? बाहर। कहाँ? मंदिर। क्यों क्या बात है मीता? मंदिर जाने को कह रही थी लेकिन यहाँ पास में कोई मंदिर है ही नहीं। वो तो ऐसे कह दिया था, कहीं भी ले चलो मीता। इस Thank you.
तुम क्यों हंस रहे हो? अरे क्या हुआ? सुनिएगा तो आप भी हंसिएगा। जरूर हंसूं। तो क्या तुम अकेले हंसोगे? उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन आप स्टेशन से हमारी गाड़ी में बैठी थी। तो इसमें हंसने की कौन सी बात है? कैसे शर्म लगती है। शर्माने से नहीं चलेगा, बताओ जल्दी। क्या बताऊं? आपको नहीं मालूम हमको कितना डर लगा था जी। क्यों डर लगा था? अरे सोचा कोई डाकिन पिशाचिन तो नहीं गाड़ी में बैठ गई। हाँ, मैं इतनी बुरी लगती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, आप गलत समझी हैं। अरे डाकिन पिशाचिन तरह तरह के रूप धर लेती है ना। सो अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, मंदिर में जाके हाथ जोड़ा, कहा भगवान सही सलामत मेला पहुँच जाए, कहीं ये डाकिन पिशाचिन हमारा नुकसान न कर दे। कुछ नुकसान हुआ? फिर क्या हुआ? फिर जब मैं बैल को मारने लगा तो आपने कहा आह मारो मत, ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, बच्चों जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। फेनू गिलासी? जी फेनू, फेनू गिलासी। ओ ग्रामोफोन। हाँ वही भोंपू। फिर? फिर क्या, जब हमने आपको देखा, अरे बाप रे ये तो परी है, परी। परी? तुमने मेरे पर देखे क्या? इस, आप तो मजाक करती हैं। अच्छा मीता एक बात तो बताओ, उस दिन तुम्हें परी लग रही थी और आज क्या लग रही हूँ? जी आज आप चलो कहीं और चले। अरे आप इधर कहाँ बैठ रही हैं? गाड़ी हम चलाएंगे। मजाक करने का बहुत आदत है आपको, हटिए उधर को बैठिए, गाड़ी चलाना औरत लोग का काम नहीं है। फिर औरतों का क्या काम है? अजी औरतों का क्या काम, घर गृहस्थी शादी बहू बनना और क्या। बहू? आप मंदिर जाने को कह रही थी ना, जब इतनी दूर आए यहाँ पास ही में मंदिर है, चलिए मंदिर चलते हैं। मंदिर जाके क्या होगा, मंदिर तो सब जगह है, यहाँ वहाँ, मंदिर में जाके क्या करेंगे बेटा? भगवान जी से प्रार्थना करेंगे, जो मन में है सो उनसे मांगेंगे। मन में जो है सब मिल जाएगा जी। तुम भी कुछ मांगोगे? जरूर मांगेंगे। क्या मांगोगे बेटा? सो तो भगवान जी से ही मांगेंगे। चलिए लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पूनिया की पियारी भोली।
अच्छी प्यारी भोली भाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की प्यारी भोली भाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की प्यारी भोली भाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। मीता, आज से नया नाटक है, जल्दी आ जाना। ये आपकी शाल। बैठो। वो गाड़ी। बैठो ना। भाई जमींदार साहब। आइए जमींदार साहब, क्या हाल है? अरे हाल क्या पूछती हो जीरा भाई, उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। अच्छा ये रमन, अब तुम जाओ, रात को खेल देखने आना। जाओ जाओ ना यार, काहे चिपके पड़े हो, रहना झोपड़े में, ख्वाब देखना महलों के। चलो फूटो अपने ठेला को, चलो चले आते हैं कहीं से। क्या बात है हीरा, तबीयत खराब है क्या? जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, मगर इस वक्त आप मुझे अकेला छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। समझा, मोल तोल करके कीमत बढ़ा रही हो, मैं मुंह मांगे दाम दूंगा। आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन लेकिन सुबह जो तुमने वादा किया था सो? मैंने कोई वादा नहीं किया था जमींदार साहब। इन कुछ घंटों में तुम्हारे मन में ऐसा क्या हो गया है जो इस तरह? मन की बात आप क्या समझेंगे जमींदार साहब, आप तो सिर्फ रूप और जवानी के गाहक है। क्यों नहीं क्यों नहीं, आजकल सुना है तुम्हारे मन की बात सिर्फ बैलगाड़ी के गाड़ीवान ही समझ सकते हैं। कहाँ जमींदार साहब, आप ही की तरह वो भी मुझे गलत समझते हैं। आपकी निगाह में मैं एक सिर्फ बाजारू औरत हूँ और उनकी निगाह में देवी। लेकिन जमींदार साहब, उनकी गलत फहमी में जो एक नशा है वो ना आपके ऐश बाग में है और ना विलायती शराब में। अच्छा तो आजकल तुम पर सती सावित्री बनने का नशा सवार है, मगर सती सावित्रियां बनाने से नहीं बनती हीरा भाई। क्यों नहीं बन सकती, अगर आप जैसे कदरदान सती सावित्रियों को बाजारू औरत बना सकते हैं तो ऐसे भी लोग दुनिया में कुछ तो हैं जो बाजारू औरतों को शरीफ औरत बना सकते हैं। छोड़ो भी ये बड़ी बड़ी बातें। बेटो! अच्छा तो ये बात है, लेकिन याद रखना तुम जैसी सस्ती और छिछोरी लौंडियों के दिमाग दुरुस्त करने के सभी तरीके मालूम है मुझे। हजूर। अच्छा बेईमान, ये क्या कर दिया हीरा भाई तुमने इतने बड़े जिम्मेदार को? अरे ये तो यहाँ के मालिक हैं। चले जाओ चले जाओ, सब यहाँ से चले जाओ। अबे चोटी के क्या सुन रहा था, पूछने वाले मैनेजर साहब। अरे अपने आप को समझती क्या है, इतने बड़े जिम्मेदार की बेइज्जती करने का नतीजा क्या होगा मालूम है? लेकिन आप बेकार माथा पच्ची क्यों कर रहे हैं, तो जानते हैं हीरा भाई के स्वभाव को, थोड़ा सा बचपन है ठीक हो जाएगी। अरे नखरे दिखाया स्टेज पे, मैंने ऐसी सैकड़ों लड़कियां देखी हैं, ये मेरा काम चौपट करना चाहती है। लेकिन मैनेजर साहब सुनिए तो सही। अरे हट। मैनेजर साहब आप क्यों बेकार परेशान हो रहे हैं, रात तो सोचिए, अगर आज हीरा भाई कंपनी छोड़कर चली गई तो रात के खेला का क्या होगा? तो पर उस जमींदार के बच्चे का क्या होगा? तो एक बोतल में ठंडा हो जाएगा, लेकिन रात को पब्लिक का गुस्सा सिर्फ हीरा बाई ठंडा कर सकती है। आप तो जानते हैं ना, हजारों की टिकट उसके नाम पे बिकती है,
अगर रात को हीरा भाई स्टेज पे नहीं होगी ना तो पब्लिक लाठी लेकर के स्टेज पे आ जाएगी। मैनेजर साहब जरा तो सोचिए, जरा समझिए ना, जरा समझिए ना मैनेजर साहब। हमारे लिए मेले से क्या लाए काका? कुछ नहीं लाया, जा मगज मत खा। माई, ओ माई, काका आए हैं। तेरा जी तो अच्छा है ना? अच्छा हुआ तू आ गया हीरा भाई, परसों रुपए भरने हैं। कितने पैसे हैं तेरे पास? होंगे 101। तो ला दे, तेरे भैया तो बड़े परेशान थे। लेकिन मेरे पास नहीं है भाऊजी, किसी के पास रखा है। किसी के पास रखाया है? अगर वो खा उड़ा दे तो? भरोसा था सो रखाया। मेले में बहुत पैकेट कट रहे थे इस बार, अगली खेप में ले आऊंगा। भूलेगा तो नहीं? नहीं भूलूंगा भाऊजी, अब जरा सोने दे मुझे, थक गया हूँ बहुत। अच्छा सो जा। तूने तो कहा था वो हमें सराखों पे बिठाएगी, हमारी मुलाकात को अपना सौभाग्य समझेगी, लेकिन उसने हमारी बेइज्जती कर दी। अजी आप भी कमाल करते हैं हुजूर, हीरा भाई की क्या मजाल जो आप जैसे जमींदार की बेइज्जती कर दे। तो फिर उस नाटक की क्या जरूरत थी? यही तो रोना है सरकार, नाटक में काम करते करते हीरा भाई खुद एक नाटक हो गई। देखिए ना, कभी तो वो नाटक को सच समझकर पागलों की तरह से बातें करने लगती है, और कभी सच को नाटक समझकर आप जैसे जमींदार को तंबू से बाहर निकाल देती है। तो अब उसे ये समझाना पड़ेगा कि नाटक क्या है और सच क्या है। नहीं, सिर्फ उसे इतना समझा दीजिए कि वो है हीरा भाई और आप हैं जमींदार विक्रम सिंह। क्या वो ये भूल गई है? भूलना चाहती है सरकार। तो हम समझा देंगे, शिकारी का निशाना एक बार चूक सकता है, बार बार नहीं। रहेगा इश्क तेरा खाक में मिला के मुझे, हुए है इब्तिदा में रंज इंतहा के मुझे। ढलने लगी चांद छुपने चला, रात ढलने लगी चांद छुपने चला। चला आ, 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 रात ढल
हमने बुझा दी। सोचा उजाले में तो तुमने हमें पहचाना नहीं, अंधेरे में ही मुलाकात कर देंगे। आप यहाँ बैठकर नशा कर रहे हैं? अरे कहाँ होता है नशा, जब से तुम्हें देखा है इस शराब में तो नशा रहा ही नहीं। अब तो तय कर लिया है वही शराब पीऊंगा जिसका नाम है हीरा। आप चले जाइए यहाँ से। और अगर ना जाऊं तो? निकल जाइए यहाँ से। देखो हीरा, अगर अब भी तुमने इनकार किया तो मैं इकरार का इंतजार न कर सकूंगा। जमींदार साहब, आप जो चाहते हैं कभी नहीं होगा, मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। मेहरबानी करने के काबिल रखा ही कहाँ है तुमने? दो टके की छोकरी एक मामूली गाड़ीवान के लिए तू ठाकुर विक्रम सिंह की बेइज्जती कर रही है। याद रख, अगर तू मुझे नहीं मिली तो हीरामन की लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। कोई नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मैं समझ क्या रखा है, मुझे क्या समझ रखा है? नौटंकी छोड़ दोगी तो करोगी क्या? धंधे से मन हटाकर कहीं और लगाओगी तो पेट कैसे भरोगी बेटी? जिंदगी में पेट ही तो सब कुछ नहीं होता। अगर पेट सब कुछ नहीं होता तो प्यार भी सब कुछ नहीं होता। और फिर उस भोले वाले गाड़ीवान के साथ तुम्हारा ये मन का खेल अभी तो पर्दे के भीतर है। जब पर्दा उठेगा तब क्या होगा? क्या होगा? उसका सपना टूट जाएगा। नहीं नहीं, ये कभी नहीं होगा। मैं उसका सपना कभी नहीं टूटने दूंगी। अगर ऐसा चाहती हो तो अपने तमाशबीनों को मायूस ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि हीरा देवी को कोई चाहने वाला ना हो और हीरा बाई को कोई देखने वाला ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है, हीरामन हीरा बाई को ही घर दे दे। क्या बात करती हो नजमा बाई, जिसके मन में देवी हो उसके घर में भाई कैसे बस सकती है? अगर उसका भरम तोड़ दोगी तो वो बर्बाद हो जाएगी। नौटंकी छोड़ दोगी तो तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। मेरे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बिना कुछ कहे मुंह मोड़ लो, बेवफा समझकर माफ कर देगा। और फिर कौन जाने जमींदार का गुस्सा क्या रंग लाता है। उसके गुस्से का क्या भरोसा, मुझे तो उस गाड़ी वाहन की जान खतरे में न। बेचारे की जान जाएगी, हमारा धंधा जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई रोको रोको। अरे अरे कल क्या? अरे कल कंपनी में बड़ा तूफान खड़ा हो गया। साक्षात सिया सिंह कुमारी है। अरे हुआ क्या? अरे वो अपना लटपटिया जिम्मेदार ना जाने साले का क्या नाम है, साला पूरा रावण है। अरे क्या बकता है, ठीक ठीक से बताओ। अरे वही तो कह रहा हूँ, वो रावण हीरा बाई के तंबू में घुस गया। फिर क्या, सिया सिंह कुमारी अपने प्रचंड रूप में आ गई, जिम्मेदार को बोली निकलो बाहर। उसके बाद ब्रिजू आया, उसको भी बोली निकलो बाहर। फिर उसके बाद मैनेजर आया, उसको बोली निकलो बाहर। अरे पर ये सब तुमको कैसे मालूम हुआ? अरे वो अपने नसवनवा है ना, वही तो सब खबर देता है। अरे सुन तो। ये सब क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए भूल मेरी थी जो खुद को भूल बैठी, पर क्या करूं उसके भूले पर। और शादी की एक ही बात मुझे याद आती है, रास्ते में किसी भी मुसाफिर को देखकर वो पर्दा ऐसे गिरा देता था जैसे मुझे किसी ने देख ली तो नजर लग जाएगी। पाठाने की टिकट लेकर जिसका नाच कोई भी देख सकता है उसे वो सारी दुनिया से छुपा कर ले आया। महुआ के घाट पर नहाने गई तो कहने लगा यहां मत नहाइए,
यहाँ कुमारी लड़के नहीं लाते, और उस दिन जब किसी तमाशबी ने बुरी बात कह दी तो मारने मरने को तैयार हो गए। ऐसे भोले भाले इंसान के साथ नहीं नचना। स्टेज पर घंटा दो घंटा नाटक करना आसान है, लेकिन जिंदगी भर सती सावित्री का नाटक मुझसे नहीं होगा। लैला का पाठ करने वाली लैला बनने चली थी, है ना उन्होंने बात? ऐसा क्यों सोचती हो आप? एक बार उसे साफ साफ कहकर तो देखो। नहीं नजमा, जब कहना चाहिए था तब खामोश रहकर एक गलती की, अब जब खामोश रहना चाहिए तब कुछ कहकर मैं दूसरी गलती नहीं करूं। मगर ये तो सोचो, तुम्हारे शहर की नौटंकी ने अगर तुम्हें वापस ना लिया तो क्या होगा? क्या होगा, लाखों की भीड़ में एक और हीरा भाई कहीं खो जाएगी, मगर हीरामन के सपनों की हीरा देवी तो बनी रहेगी उसके पास। मेरा चाहे जो भी हो, मैं उसका सपना टूटने नहीं दूंगी। लेकिन तुम उसे मिले बिना चली गई तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुमने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की। मैं उससे मिले बगैर कैसे जा सकूंगी? अगर वो मिला भी तो उसे ये सब कैसे बताऊंगी? और कुर्बानी मेरे पास है ही क्या उसके काबिल? आखिर हीरामन मालिक अभी तक गांव से नहीं लौटे। लालमोहर वगैरह को खबर कर दी ना? जी हाँ, अगर हीरामन मालिक पूछेंगे तो क्या कहूंगा? कह देना नौटंकी की बाई थी, पाठ खत्म हो गया, जा रही है, मगर मिल जरूर ले एक बार। दोष मेरा नहीं, नाटक लिखने वाले का। उसने जितना मेरा पाठ लिखा था निभा दिया, अब नाटक खत्म ही नहीं तो मैं क्या करूं? अरे कहाँ था तुम हीरामन? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें बुलाया स्टेशन पर, वहाँ चली जा रही है। कौन जा रही है, कहाँ? अरे हीरा भाई, और कौन? तुम्हें सुबह से पूछ रही थी। जा रही? कौन सी गाड़ी? अभी तो जाएगी, शायद वो चली भी गई हो। लेकिन कल इसी वक्त गाड़ी मिलेगी तो क्या हुआ? एक दिन मुसाफिर खाने में रह जाऊंगी। एक बात पूछूं भाई? कुछ मत पूछो बिरजू। हीरामन चलो भेंट हो गई। ये लो अपने रुपये, लो ना मीता, लो ना। मैं तो उम्मीद ही खो बैठी थी, सोचा अभी भेंट ही नहीं होगी।
मैं वापस जा रही हूं अपने देश की कंपनी में। लो मेरी निशानी, सर्दी में काम आएगी। गुलाबगंज के मेले में मेरा तमाशा देखने आओगे ना? जी छोटा ना करो हीरामन, तुमने कहा था ना महुआ को सौदागर ने खरीद लिया। भाई सामान लग गया। मैं बिक चुकी हूँ मीता। भाई जल्दी करो ना, गाड़ी छूट जाएगी। चलो ना भाई, चलो ना, चलो। अरे लाट पाट के बाहर निकल जाओ यार, कोई पकड़ लेगा। चलो फिर कभी कंपनी की बाई को गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। नीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया।